हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश स्पेशल के बारे में, एमपी स्पेशल, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। ये अपडेटेड है 2019 तक, दृष्टि ने डाला हुआ है, याद रखिए। और इसमें महत्वपूर्ण वही टॉपिक लिए गए हैं जो परीक्षा एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको बता दें, जो एमपी स्पेशल जीके के नाम से अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सूची, उसी में मिल जाएंगे। 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे हम लोग इसे, ठीक है। और एमपी स्पेशल जीके में पड़े रहेंगे ये लेक्चर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य का नाम क्या है? तो सबको पता है, मध्य प्रदेश। राज्य का अन्य नाम क्या है? तो हृदय प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, नदियों का महका भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। फिर है अक्षांश स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तो 21 डिग्री 06 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें, राज्य का क्षेत्रफल तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये सेकंड नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में भारत में। पहले पर कौन है? राजस्थान। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की बात करें तो 5 हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में, महाराष्ट्र है दक्षिण पश्चिम में, फिर छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में, राजस्थान उत्तर पश्चिम में और गुजरात पश्चिम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं। राज्य की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और न्यूनतम सीमा गुजरात से लगती है। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो 14 जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश की। और कितने राज्यों से गुजरती है भारत में? तो 8 राज्यों से, याद रखना। मध्य प्रदेश से 14 जिलों से गुजरती है। भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है? 9.38%। राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? वरगद, वट वृक्ष। राजकीय पशु क्या है? वारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दूधराज, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय नदी क्या है? नर्मदा। राजकीय नाट क्या है? माच। राजकीय नृत्य क्या है? राई। राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। इसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव, 2010 में लिखा था, ठीक है। राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। राजकीय मछली महासीर। राजकीय फसल सोयाबीन। राजकीय भाषा हिंदी। राज्य का स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को, और वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था 1 नवंबर 2000 को। राज्य की विधायिका कैसी है? एक सदनीय है। कितने सदस्य हैं? 231, 230 निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 35। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 47। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 29, जिनमें से 6 हैं ST के लिए आरक्षित और 4 हैं SC के लिए, याद रखना। राज्यसभा सीटें हैं 11। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 4। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा में सीटें 6। जिलों की संख्या कितनी है? 52। अंतिम जिला कौन सा बना है? निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018 को। संभागों की संख्या 10, विकासखंड 313। तहसील, याद रखिए, अपडेट कर लीजिए, 420 हैं तहसीलें हैं, 420 हैं मध्य प्रदेश में। 76 हैं नगर निगम 16, ठीक है।
नगर पालिका 100, नगर पंचायत 264, जिला पंचायतें 51, ग्राम पंचायतें 23,006, आदिवासी विकास खंड 89। राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है, याद रखना। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। इनमें से पुरुष कितने हैं? 3,76,12,306। महिला जनसंख्या कितनी है? 3,50,14,503। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5,25,57,404। ग्रामीण पुरुष 2,71,49,388। ग्रामीण महिलाएं 2,54,08,016। ठीक है, शहरी जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? शहरी जनसंख्या है 2,69,405। शहरी पुरुष हैं 1,04,62,918। शहरी महिलाएं कितनी हैं? 96,06,487। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताओं के बारे में। प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएं। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो धूपगढ़ पहाड़ी, याद रखना, धूपगढ़ पहाड़ी। राज्य का सबसे नीचा स्थान कौन है? नर्मदा घाटी। सर्वाधिक गर्म स्थान खजुराहो। सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल डिंडोरी। सर्वाधिक कुपोषित जिला शिवपुर। सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल। सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? शिवपुर। और सबसे कम भोपाल। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 76। सबसे बड़ा है, याद रखना, NH3। और सबसे छोटा है NH76। और सबसे कुपोषित जिला है शिवपुर। और सबसे कम कुपोषित जिला है भोपाल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? भोपाल का 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे विरल घनत्व जनघनत्व वाला जिला। सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी 94 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। भोपाल सबसे ज़्यादा है जनघनत्व और डिंडोरी का सबसे कम। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग इंदौर। सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, याद रखिए, दतिया है। लेकिन जब से निवाड़ी जिला बना हुआ है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है, दोनों में सबसे कम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा। अब 2021 की जो जनगणना होगी उसके अनुसार उसे ही कर दिया जाएगा। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो बालाघाट 1021 है। प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड 837। सबसे बड़ा वन क्षेत्र खंडवा। सबसे छोटा वन क्षेत्र शाजापुर। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है 81.01%। राज्य का सबसे कम साक्षर जिला, तो याद रखना है, अलीराजपुर 36.1%। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल। सबसे बड़ा कोला भंडार क्षेत्र सुहागपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है 1,312 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर। प्रदेश की सबसे छोटी तहसील क्षेत्र में अजयगढ़ पन्ना, याद रखना। अब बात करते हैं प्रदेश में प्रथम। प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो आपको याद रखना है डॉक्टर पी पट्टावी सीतारमैया। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला गेवाल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के? पंडित रविशंकर शुक्ला। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो याद रखना है, सुश्री उमा भारती जी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष का नेता श्री विष्णु नाथ यादव राय तामस्कर, ठीक है, याद रखिए।
आगे बात करते हैं हम लोग उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच एस कामत। प्रथम निर्वाचन आयुक्त एन वी लोहानी। प्रथम लोकायुक्त पी वी दीक्षित जी थे, याद रखिए। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी एन श्रीवास्तव। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। प्रथम विपक्ष की महिला नेता जमुना देवी। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी। प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला। प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल। आगे बात करते हैं, प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल। प्रदेश का पहला सेल्फ ग्राम छतरपुर। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 1946 में। पहला ISO प्रमाण पत्र SP कार्यालय देवास। प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट पीथमपुर। प्रदेश की प्रथम खुली जेल नवजीवन आश्रम होशंगाबाद। प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी IT विश्वविद्यालय ग्वालियर। प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला सागर। प्रदेश की जड़ी बूटी बैंक पनार पानी पचमढ़ी, ठीक है, याद रखिए। थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं तो एडजस्ट करिएगा, ठीक है। भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भोपाल में है। देश में ऑप्टिकल फाइबर की सबसे सर्वप्रथम स्थापना मंडीदीप भोपाल में। सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। देश में हीरा उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारत की प्रथम घोषित पर्यटन नगरी शिवपुरी। देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना भोपाल में। भारत का पहला मलखम अकादमी स्थापित करने वाला राज्य उज्जैन मध्य प्रदेश है, उज्जैन में, ठीक है। DNA टेस्ट बाघों का कराने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। आगे बात करते हैं, देश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य आगर मालवा मध्य प्रदेश। ISO 9001 अनुपातित 2008 का अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान वन विहार भोपाल। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश भोपाल में। देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान कौन है? मध्य प्रदेश। वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? उज्जैन में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में बना था ये, ठीक है। कहाँ है? एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर में। कौन सा? ये लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ठीक है। बब्बर शेर हेतु तैयार अभ्यारण्य कूनो पालनपुर मध्य प्रदेश में है। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत होशंग शाहे द्वारा मकबरा धार में है, जो, ठीक। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है टीकमगढ़, जो टीकमगढ़ को पृथक करके बनाया गया है। इसमें 3 तहसीलें जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी? ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, ठीक। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो राजकीय गान के रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव जी हैं, मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल रीवा में है, याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में। संभाग देखते हैं, भोपाल है, भोपाल में पहला जिला है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
इसे झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहते हैं भोपाल को। यह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, बल्लभ भवन, आपदा प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि स्थित हैं। फिर है भोपाल संभाग में सीहोर जिला। सीहोर के बरलाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना है एवं बुधनी में स्लीफर का कारखाना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से ही निर्वाचित हुए। सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह की छतरी 24 जून 1824 में नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह और अंग्रेज एजेंट मेडॉक के मध्य हुए भीषण युद्ध से जुड़ी हुई है। सारू मारू की गुफाएं यहीं स्थित हैं सीहोर में। ठीक है, भोपाल में अगला जिला है रायसेन। ठीक है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप एवं भीमबेटका की गुफाएं, बादल महल, इत्तदार महल यहीं स्थित है। मंडीदीप प्रमुख औद्योगिक केंद्र इसी जिले में है। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप जिला रायसेन में है। रायसेन के कुमरा गांव में से बेतवा नदी का उद्गम होता है। फिर भोपाल संभाग में अगला जिला है राजगढ़। राजगढ़ की चीड़ी खो नामक स्थान को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। गिन्नौरगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं स्थित है। कालीसिंध, अजनार, गढ़गंगा इत्यादि नदियाँ यहीं से प्रभावित होती हैं। फिर है विदिशा, इसका प्राचीन नाम है भेलसा बेसनगर। यहाँ पर सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। उदयगिरी की गुफाएं भी हैं जहाँ विष्णु की 12 अवतार की प्रतिमा है। विदिशा में ही स्थित है ये सभी। विदिशा की हलाली नदी, सम्राट अशोक सागर, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। यहीं पर सिंध व सिरवंज नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर हमारा जबलपुर। जबलपुर यह त्रिपुरी और महाकौशल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं। याद रखिए, जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय एवं पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। हैवी व्हीकल कारखाना जबलपुर में है। गन कैरेज फैक्ट्री है व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात यहीं स्थित है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा भी यहीं स्थित है जबलपुर में। यहाँ पर स्थित बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर है कटनी जिला। संगमरमर नगरी के नाम से विख्यात है। 28 मई 1998 को जबलपुर जिले को विभाजित करके गठित किया गया था। यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फरकले आदि खनिजों की उपलब्धता है। ACC सीमेंट कारखाना यहीं पर है कटनी में। अबुल फजल द्वारा वर्णित बिलहारी पान कटनी में ही पाया जाता है। फिर है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर एक जाट सरदार द्वारा विशाल नरसिंह मंदिर निर्माण करवाने के कारण इस जिले का नाम नरसिंहपुर रखा गया है। विदेश में अरहर दाल के उत्पादन में इस जिले का प्रथम स्थान है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला पूर्णतः साक्षर जिला है। चौरगढ़ का किला तथा झोटेश्वर आश्रम यहीं पर स्थित है नरसिंह। फिर है हमारा छिंदवाड़ा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। एग्रो कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, देश का पहला मसाला पार्क, बोरगांव खाद्य पार्क, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम यहीं पर अवस्थित है। कान्हा पैंच, जाम, शक्कर व दूधी आदि नदियों इस जिले में प्रभावित होती हैं। फिर है सिवनी, इसका नाम है सेवन, नाम वृक्ष के बहुतायत में पाए जाने के कारण पड़ा। सिवनी के मुंदारा क्षेत्र में बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय भी इस जिले में स्थित है, याद रखिए। फिर है मंडला। मंडला इस जिले में अधिकतम जनसंख्या गौड़ जनजाति है। मंडला का दुर्ग मोती महल व बघेलियन महल मंडला में ही स्थित है। थावर परियोजना यहीं स्थित है। प्रदेश की प्रथम व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मंडला में स्थित है, याद रखिए। फिर है अपना बालाघाट। बालाघाट बैनगंगा घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। यह जिला महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से लगता है। मलाजखंड से तांबा का निष्कासन होता है।
भरवेली से मैग्नीज का उत्पादन होता है। प्रदेश का यह जिला सर्वाधिक खनिज संपन्न है। किरनारपुर बालाघाट का औद्योगिक विकास केंद्र है। फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज बालाघाट में है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, 1021, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। याद रखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी मैं बोल रहा हूँ तो एडजस्ट करिए, और वैसे भी यूट्यूब पे तो वो सुविधा भी तो है स्पीड स्लो करने की, तेज करने की, तो उसे भी यूज कर लीजिए। अगला है डिंडोरी। डिंडोरी जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा है। 25 मई 1998 को इसे मंडला जिले से अलग करके बनाया गया। इस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुबा स्थित है। ठीक है, फिर है इंदौर। इंदौर का पूर्व नाम इंदपुर है, इंदौर है, अहिल्या नगरी है तथा महेश्वर है। जैविक खाद इकाई है, मानसिक चिकित्सा संस्थान है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यहीं पर है। वित्त निगम का मुख्यालय यहीं है। पुलिस रेडियो प्रशिक्षण स्कूल इंदौर में। केंद्रीय पुरातत्विक संग्रहालय इंदौर में। एप्रेल पार्क इंदौर में। IIT और IIM इंदौर में स्थापित हैं। गेहूँ शोध संस्थान भी इंदौर में है। यहाँ पर स्थित गुम्मट गिरी जैन तीर्थस्थल काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर धार, प्रमुख औद्योगिक केंद्र पीतमपुर यहीं अवस्थित है। बाघ की गुफाएँ, धार का किला, भोजशाला मंदिर, भोजशाला मस्जिद, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य, खरमोर पक्षी धार जिले में स्थित है। धार जिले में ही सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला मांडू भी स्थित है। यहाँ मांडू रानी रूमती का महल भी है। होशंगशाह का मकबरा भी है। यहाँ हिंडोला महल है, जहाज महल है, असरफी महल है, प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। फिर है अलीराजपुर। ठीक, तो ये 17 मई 2008 को जिला बना। ठीक है, झाबुए जिले को विभाजित कर अलीराजपुर का गठन किया गया। देश व प्रदेश का सबसे कम साक्षर वाला जिला अलीराजपुर है। यहाँ पर भीलों द्वारा प्रसिद्ध भगोरिया मेले का आयोजन किया जाता है। ग्राम भावरा में शहीद स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। कट्टीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य अलीराजपुर में ही स्थित है। फिर है झाबुआ। कौन सा है? झाबुआ। अगला है झाबुआ। यह जनजातीय बहुल जिला है। यहाँ पर भील जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है। झाबुआ नगर के मेघ नगर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। झाबुआ जिले की सीमा गुजरात से मिलती है। प्रदेश का पहला आवासीय विद्यालय झाबुआ में ही स्थापित किया गया है। याद रखिए। फिर हमारा अगला है खरगोन पश्चिमी निवाड़। ठीक है, खरगोन को पश्चिमी निवाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इस जिले को निवाड़ नाम से भी जाना जाता है। यह कपास उत्पादन करने वाला जिला है। यह प्रतिवर्ष सिंगाजी का मेला भी लगता है खरगोन में। याद रखिए, निवाड़ क्षेत्र में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन इसी जिले में होता है, खरगोन में। इस जिले में के देजला देवड़ा बांध कोंडा नदी पर निर्मित मिट्टी का बांध है। कपास अनुसंधान केंद्र CRSF का प्रशिक्षण केंद्र खरगोन में है, पश्चिमी निवाड़। ठीक है, फिर है खंडवा। खंडवा को पूर्वी निवाड़ कहते हैं। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। याद रखिए, खंडवा जिला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, जो महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली तथा माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली है। कपास उत्पादन के कारण इसे सुनहरा जिला कहा जाता है खंडवा को। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर यहीं पर स्थित है। प्रमुख गांजा उत्पादक जिला भी है खंडवा। ठीक है, फिर है बड़वानी। 25 मई 1998 को खरगोन को विभाजित कर इस जिले की स्थापना की गई। यहाँ सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन होता है, साथ ही कपास की प्रसिद्ध मंडी सेंधवा यहीं स्थित है। याद रखना। ठीक है, फिर है बुरहानपुर। अपना बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण का द्वार भी कहते हैं बुरहानपुर जिले को। बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला स्थित है। इस किले को दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। मुमताज बेगम की कब्र यहीं है। नेशनल न्यूज पेंट कारखाना नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी इसी जिले में स्थित है, बुरहानपुर में। ठीक है, फिर है ग्वालियर। हमारा कौन सा है? ग्वालियर। इसका प्राचीन नाम गोपाचल है ग्वालियर का।
गोपगिरी है, गोप पर्वत है और गोपाद्री है, ठीक है, गोपाद्री। इसे तानसेन नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, ग्वालियर को याद रखिए, ठीक है, किस नाम से, तानसेन नगरी, ठीक है। ग्वालियर में एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजस्व मुख्यालय, महालेखाकार का कार्यालय, विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर स्थित तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जयविलास पैलेस, मोहम्मद गौस का मकबरा, गुजरी महल, सासमहू मंदिर, बतेली का मंदिर, मोती महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। गैस आधारित पहला विद्युत गृह ग्वालियर के भांडेर में स्थित है, ठीक है। फिर है शिवपुरी, शिवपुरी को पर्यटन नगरी भी कहते हैं। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को यहीं फांसी दी गई थी, शिवपुरी में। प्रदेश भर में यह न्यूनतम तापमान वाला जिला है। यहाँ सिंध, कुआरी तथा महुअर नदियाँ प्रभावित होती हैं। यहाँ करेरा अभ्यारण्य तथा माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कत्था बनाने का कारखाना भी शिवपुरी जिले में ही अवस्थित है, याद रखिए। फिर है हमारा ग्वालियर, कौन सा है, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना है, ठीक है, ग्वालियर संभाग में अगला जिला है गुना, ठीक है। गुना जिले को चंबल मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध तेजाजी का मेला लगता है, याद रखिए। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, गुना में। विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना है। यहाँ की स्वतंत्रता पूर्व रियासत राघवगढ़ थी। यह पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। फिर है अशोकनगर, 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को विभाजित कर इस जिले का गठन किया गया था। प्रदेश की खुली जेल मुंगावली यहीं स्थित है, जहाँ जौहर कुंड हवा महल, नौखंडा, खूनी दरवाजा भी दर्शनीय स्थल है। यह क्षेत्र हाथ से बुनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अशोकनगर। फिर है अपना द्वितीया, इस शहर को पीताम्बर देवी या शहर अनेक मंदिरों के कारण लघु वृंदावन कहा जाता है, याद रखिए। लघु वृंदावन का किसे कहा जाता है, दतिया को। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी इसी जिले में अवस्थित है। दतिया में ही माता टीला बांध स्थित है, इसे देख लेना यार, मुझे जहां तक पता है ललितपुर के पास है माता टीला बांध, ठीक है। सोनगिरी इसी जिले में है, लेकिन मुझे पता है माता टीला बांध ललितपुर जिले में है के पास, ठीक है, देख लेना, कंफ्यूज जैसा भी है। सागर, फिर है सागर, सागर में देखें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में एक स्थित महत्वपूर्ण जिला है। माप तौल प्रशिक्षण केंद्र सागर में, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, सिद्ध गवाह औद्योगिक विकास केंद्र सागर में, प्रदेश का पुलिस कॉलेज भी सागर में है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है, ठीक है। फिर दमोह, इसे अनुग्रह या एवं स्नेह का भी शहर कहा जाता है। यहाँ रानी दुर्गावती अभ्यारण्य स्थित है, औद्योगिक तथा डायमंड सीमेंट कारखाना स्थित है, यहाँ स्थित है। फिर है पन्ना, हीरा भंडारण व उत्खनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। या अजयगढ़ का किला, बलदेव जी का मंदिर, जुगल किशोर मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त पांडव जलप्रपात, गंगौज वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख तीर्थ देखने लायक जगह हैं, दर्शनीय स्थल। फिर है छतरपुर, प्राचीन काल में इसे जजागुप्ति के नाम से भी जाना जाता है था। यहाँ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थित हैं, जिन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ कैन वन्यजीव अभ्यारण्य, कैन परियोजना तथा उर्मिल परियोजना स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष जल बिहारी मेले का आयोजन होता है। फिर है हमारा टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा से लगने वाला जिला टीकमगढ़ बुंदेलखंड की संस्कृति वाला जिला है। तालाब की अधिकता के कारण टीकमगढ़ को तालाब और पर्वतों का जिला भी कहते हैं। रामायण संग्रहालय भी इसी जिले में स्थित था, ओरछा में, ठीक है, लेकिन याद रखिए अब ओरछा निवाड़ी में आने लगा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को विभाजित कर 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला बना है निवाड़ी, सबसे छोटा जिला निवाड़ी बना है। इसकी आबादी लगभग 4 लाख है। इस जिले की सीमाएं तीन ओर से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है, ठीक है। फिर है उज्जैन, उज्जैनी एवं औंतिका नाम से प्रसिद्ध उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर स्थित प्राचीन शहर है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ का
दर्शनीय स्थलों में भर्तहरि की गुफाएं, जंतर मंतर, मंगलनाथ, महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर एवं संदीपनी आश्रम आदि स्थित हैं। यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, महर्षि पढ़नी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय स्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मालवा उत्सव का आयोजन इस जिले में किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थित है। फिर देवास, यह प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। देवास में ही करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बागली तहसील की बरछारी गाँव से हुआ है। यहाँ पर केवनी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। संगीतकार कुमार गंधर्व की यह साधना स्थली भी है। फिर है रतलाम, ठीक है, क्या है रतलाम? रतलाम को सेब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रतलाम में नए टाउन की स्थापना कैप्टन वॉर्थविक द्वारा 1829 में की गई। यह नमकीन, सेब, सोना, साड़ी और समोसा प्रसिद्ध हैं यहाँ के। रतलाम में खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य स्थापित है। फिर है शाहजहाँपुर जिला, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इस नगर को स्थापित किया था। शाहजहाँपुर व्यंग्यकार व लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्म स्थली है। फिर है आगर मालवा, शाहजहाँपुर जिले को विभाजित करके 16 अगस्त 2013 को इस जिले को बनाया गया। यह प्रदेश का 51वां जिला था। इस जिले की मुख्य नदी छोटी काली सिंध है, ठीक है। मंदसौर मंदोदरी का मायका है। के रूप में जाना जाने वाला मंदसौर राजस्थान से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर स्थित गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बांटता है। इस जिले में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य में भालू, तेंदुआ, चिंकारा आदि को संरक्षण दिया गया है, ठीक। फिर है नीमच, कौन सा है? नीमच को 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था। नीमच को CRPF की जन्म स्थली माना जाता है। फिर है शहडोल, स्थानीय निवासियों से पता चला है कि शहडोल नाम की व्युत्पत्ति सुहागपुर में एक सहडोलवा अहीर गांव के नाम से हुई। इसे सुहागपुर कोयला खान के लिए जाना जाता है। यहां की जलवायु शीतोष्ण है। यह दर्शनीय स्थलों में सुहागपुर बाणगंगा में भगवान शिव का एक विराट टेश्वर मंदिर स्थित है। फिर है उमरिया, शहडोल जिले को विभाजित कर उमरिया जिले का गठन किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र इसी जिले में है। फिर है अनूपपुर, शहडोल जिले को विभाजित कर 15 अगस्त 2003 को इसका गठन किया गया। इस जिले में नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। इस जिले में याद रखिए नर्मदा, सोन, जोहिला नदी कहाँ से निकलती हैं? अनूपपुर जिले से। इस जिले में दुग्धधारा, धूनी पानी, नर्मदा कुंड, कलचुरी काल के मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं यहाँ। फिर है शिवपुर, कौन सा है? शिवपुर मुरैना जिले को विभाजित कर शिवपुर जिले का गठन किया गया। यह जिला चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ स्थित पालनपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। यह जिला काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुर, इस जिले से चंबल, कूनो और सीप नदियाँ प्रभावित होती हैं। फिर है मुरैना, मोर पक्षी की अधिकता के कारण इस जिले का नाम मुरैना पड़ा। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित है। यहाँ नागा जी का मेला लगता है मुरैना में। चंबल कुंवारी संघ तथा असन नदियाँ इस जिले में प्रभावित होती हैं। फिर है भिंड जिले को बागियों का गढ़ कहते हैं। भिंड जिले के मालनपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। फिर है रीवा जिले को सफ़ेद शेर की भूमि कहते हैं। रीवा में कृषि महाविद्यालय, SS चिकित्सा महाविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल व्यवस्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महामृत्युंजय का मेला लगता है। रीवा जिले में टॉन्स, वीहड़, केवटी और बहुटी नदियाँ प्रभावित होती हैं। बहुत ही जलप्रपात इस जिले में अवस्थित है। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है रीवा में। फिर है सिंगरौली, सीधी जिले को विभाजित कर 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का गठन किया गया। यह जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ NTPC ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। फिर है सीधी, यह संजय टाइगर रिजर्व पार्क है। यह सोन नदी प्रभावित होती है यहाँ, जिसे हाल यहाँ की जीवन रेखा कहते हैं। फिर है सतना, कौन सा है? सतना, यह जिला चूना व सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट धाम तथा मेहर
यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदर विश्वविद्यालय इसी जिले में स्थित है। इस जिले में अशोक के स्तूप वहरूद की खोज की गई। फिर है होशंगाबाद, यह जिला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना मालवा शासक होशंग साहेब ने की थी। यह जिला सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का प्रथम हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य, तवा जलाशय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बैतूल। यह आदिवासी बहुल जिला है। यह जिला खनिज संसाधनों से भी संपन्न है। कोयला, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, संगमरमर, टिन जैसा खनिज पाया जाता है यहाँ। ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले में मुलताई नामक स्थान से होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थल जैन धर्म स्थित मुक्तागिरी प्रसिद्ध है। फिर है हरदा। 6 जुलाई 1998 को होशंगाबाद जिले को विभाजित कर इस जिले का गठन किया गया है। यहाँ पर कान्हा बाबा का प्रसिद्ध मेला लगता है। याद रखिए, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क। मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क कहाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क मसाला पार्क छिंदवाड़ा। मसाला पार्क कहाँ? छिंदवाड़ा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क देपालपुर इंदौर। याद रखिए, देपालपुर इंदौर। फिर पहला सेंटर्स डेटा सेंटर पार्क स्थापित है इंदौर में। मसाला पार्क कहाँ है? छिंदवाड़ा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? देपालपुर इंदौर में। पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ प्रस्तावित है? इंदौर में। देश का दूसरा महिला पार्क कहाँ है प्रस्तावित? इंदौर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित है? इंदौर में। निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ है? देवास में। निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ है? देवास में। इको टूरिज्म पार्क प्रस्तावित कहाँ है? रीवा में। जैव ऊर्जा पार्क कहाँ है? रीवा में। पहला पुरातत्व पार्क कहाँ है? संग्रामपुर दमोह में। याद रखिए, केंद्रीय खाद्य पार्क 6 स्थानों पर, मंदसौर, खरगोन, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भिंड। कहाँ है? केंद्रीय खाद्य पार्क 6 स्थानों पर है, जिनमें मंदसौर है, खरगोन है, मंडला है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है व भिंड जिला है। ठीक है, फिर पहला आईटी पार्क तो आपको पता है भोपाल में। प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है तामोट रायसेन में। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क इंदौर में। पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुर राजगढ़ में। ठीक है, ये थे प्रमुख पार्क। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर और इनके कारण। तो ये नगर के नाम हो गए प्रसिद्ध पाने के कारण। भोपाल राजधानी क्षेत्र होने के कारण व झील होने के कारण। इंदौर की बात करें, उद्योग नगरी मिनी मुंबई भी बोला जाता है इंदौर को। खजुराहो कलात्मक मंदिर है यहाँ, इसलिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मलाजखंड तांबे की खाने हैं। पन्ना हीरे की खाने हैं। सांची बौद्ध स्तूप है। मंदसौर अफीम उत्पादक एकमात्र जिला है मंदसौर। इटारसी प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेपानगर कागज मिल है। भीमबेटका प्राचीन शैलचित्र है। भीमबेटका में क्या है? प्राचीन शैलचित्र। फिर रीवा सफ़ेद शेरों के कारण प्रसिद्ध है। सिंगरौली प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत है। भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अमलाई पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा सिंगाजी का मेला, खंडवा में सिंगाजी का मेला लगता है, याद रखना। उज्जैन कुंभ का मेला व महाकाल का मंदिर है यहाँ। ओकारेश्वर ज्योतिलिंग है यहाँ, ज्योतिलिंग। ठीक है, याद रखिए। फिर देवास, देवास है बैंक नोट प्रेस है यहाँ तथा चामुंडा माता मंदिर है। धार बाघ की गुफाएँ हैं धार में। वावन गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति है यहाँ। चंदेरी किला व साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मांडू खूबसूरत महल है यहाँ। महेश्वर साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर किला एवं मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख शासकीय कार्यालय के नाम, भवनों के नाम। मिंटो हॉल राज्य का पुराना विधानसभा भवन, याद रखिए मिंटो हॉल राज्य का पुराना विधानसभा भवन। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन राज्य का नवीन विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। वल्लभ भवन राज्य का सचिवालय। सतपुड़ा भवन राज्य का संचालनालय। शक्ति भवन राज्य विद्युत मंडल। ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। पर्यावास भवन राज्य मानवाधिकार आयोग। पुस्तक भवन मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम। निर्वाचक भवन राज्य निर्वाचन भवन। श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री का निवास स्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं विंध्याचल भवन
राज्य एवं आयोग, राजभवन राज्यपाल निवास, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में। तो ये अनुसंधान केंद्र हैं और ये स्थान हैं जहाँ इनका है। RCVP नरोन्या प्रशासनिक प्रबंधनीय अकादमी कहाँ है? भोपाल में, याद रखना। जनजाति अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ है? भोपाल में। स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भदभदा, भोपाल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में, याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल में। यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में। आपदा प्रबंधन संस्थान देश का पहला, याद रखना, भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित है भोपाल में, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर भोपाल। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, याद रखना, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का सचिवालय भोपाल। मध्य प्रदेश का राज्य निदेशालय भोपाल। मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग भोपाल। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल में है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग भोपाल। राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल में। इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम 1980 में भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में बना है, भोपाल में है, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 में बना, भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल 1972 में भोपाल में है। मध्य प्रदेश माइनरिंग कॉरपोरेशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश हैंडलूम निदेशालय 1976 में बना, भोपाल में है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 में बना, भोपाल में है। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशु पालन संवर्धन बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश कृषि विपणन भोपाल में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, उनके मिलन स्थल, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां व उनके मिलन स्थल। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, याद रखिए, उद्गम होता है इसका अमरकंठक अनूपपुर जिले से और खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास मिल जाती है, ठीक है। बेतवा, कुमरागांव, रायसेन, यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिलती है। याद रखिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरागांव, रायसेन और यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिल जाती है। ताप्ती, मुलताई से निकलती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कालीसिंध, बागली गांव, देवास से निकलती है, चंबल नदी में राजस्थान में मिल जाती है, ठीक है। फिर है चंबल, चंबल जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के पास। छिप्परा, काकरी बड़ी इंदौर से निकलती है, चंबल नदी में मिल जाती है। कैन, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। सोन, अमरकंटक से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। माफ़ करिए दोस्तों, बहुत तेज बोल रहा हूँ, शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन बढ़ा लेना, स्पीड कम कर लेना, जैसा भी आपको लगे, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बैठे रहें, आराम से बात करते रहें, और अगर आराम से ही देखना है तो बात कर चुके हैं ना पूरी किताब हम लोग पिछले लेक्चरों में, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जलप्रपात प्रमुख। प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा नदी में है, पर है स्थित। कपिलधारा कहाँ है? अमरकंटक में, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर। कपिलधारा कहाँ है? अमरकंटक में, याद रखना। धुआंधार जबलपुर में, नर्मदा नदी। दुग्धधारा अमरकंटक नर्मदा नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर नर्मदा नदी पर। मंधार जलप्रपात खंडवा
में नर्मदा नदी पर, भालकुंड जलप्रपात सागर में है बीना नदी पर, भालकुंड जलप्रपात सागर में है बीना नदी पर, दर्दी जलप्रपात खंडवा में है नर्मदा नदी पर, केवटी जलप्रपात रीवा में महानदी नदी पर, फिर चचाई जलप्रपात रीवा में है बीहड़ नदी पर, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में है, याद रखिए पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है, इंदौर में, ठीक है। फिर है पांडव जलप्रपात पन्ना केन नदी पर है, अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है, रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है, डचेस जल फॉल ये पचमढ़ी में है, ठीक। अब बात करते हैं, यहीं देख लेते हैं हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में मध्य प्रदेश। ये नदी हो गई, ये नगर हो गए। नर्मदा नदी के किनारे बात करें तो ओंकारेश्वर है, अमरकंटक है, होशंगाबाद है, जबलपुर महेश्वर है, ठीक है, प्रमुख नगर। चंबल के शिवपुर महू रतलाम मुरैना है, शिवपुर महू रतलाम मुरैना। ताप्ती नदी मुलताई बुरहानपुर है। बैतवा नदी ओडिशा सांची विदिशा गुना में है। पार्वती नदी साजापुर आष्टा राजगढ़ है। सिंध नदी पर शिवपुरी दतिया है। कालीसिंध बागली देवास सोनकच्छ है। छिपरा नदी उज्जैन है, आपको पता होगा। खान नदी के किनारे है इंदौर। माही नदी के किनारे बसा है कुछी और धार, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थानों के बारे में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में बनाया, इसका मुख्यालय भोपाल में है। संजीवनी संस्थान वन औषधि रोपण, ये भोपाल में है। वन विकास निगम 1975 में बना, ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास 2005 में बना, भोपाल में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये क्षेत्रीय कार्यालय इसका जबलपुर में है, ठीक है, याद रखिए। और इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। वन जीव फॉरेंसिक एवं फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ है, 1979 में बना, बालाघाट में है। वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल जिले में 1980 में बना। वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान ये छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर लाला मंडल इंदौर में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, तो याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान है, जिला हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो बस हो गए। तो सबसे पहले बांधवगढ़ की बात करते हैं, तो बांधवगढ़ है हमारा उमरिया जिले में। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया जिले में, उमरिया जिले में है बांधवगढ़। 1993-94 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कान्हा किसली ये मंडला बालाघाट में, कान्हा किसली कहाँ है, मंडला बालाघाट में 1973-74 में शामिल किया गया, ठीक है। बांधवगढ़ है उमरिया में, कान्हा किसली है मंडला में, वैसे 1973-74 में शामिल किया गया टाइगर प्रोजेक्ट में। पन्ना है, पन्ना छतरपुर जिले में है, और 1994-95 में इसे शामिल किया गया। पैंच सिवनी छिंदवाड़ा में है, ये 1992-93 में शामिल किया गया। सतपुड़ा होशंगाबाद में 1999-2000 में किया गया इसे शामिल। संजय सीधी में 2008-09 में इसे शामिल किया गया। तो आप लोगों को इसमें याद रखना, कई बार पूछ लेता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है उमरिया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोगों को बता देना है मंडला बालाघाट। पन्ना, तो पन्ना छतरपुर दोनों जिलों में। पैंच ये सिवनी और छिंदवाड़ा में, सिवनी छिंदवाड़ा। सतपुड़ा होशंगाबाद में और संजय सीधी में, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग, तो नरसिंहगढ़, ठीक है, ये राजगढ़ में है। मोर तिंदुआ सांभर चीतल जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग जिला देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं कहाँ स्थित है, अगर आप और आपको जानकारी लेना है तो सामान्य जानकारी देख लेना इसमें, ठीक है। गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर नीमच में। बोरी कहाँ है, होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहाँ है, होशंगाबाद में। डोबरी संजय कहाँ है, सीधी में। राता पानी कहाँ है, रायसेन सीहोर में। सिंघोरी कहाँ है, ये रायसेन में। नौरादेही कहाँ है, सागर दमोह नरसिंहपुर में, याद रखिए सागर दमोह नरसिंहपुर में है। फिर है पैंच, पैंच राष्ट्रीय
पैंच अभ्यारण्य मुआगावली, ये पैंच में है। राष्ट्रीय चंबल मुरैना में है। कैन घड़ियाल के लिए छतरपुर पन्ना में है। सोन घड़ियाल सीधी शहडोल सतना सिंगरौली में। कूनो पालपुर सेवर में शिवपुर में है। करेरा शिवपुरी में है। घाटी गांव ग्वालियर में है। बगदरा सीधी में है। फैन मंडला में है। पनपठा उमरिया में है। सरदारपुर धार में है, याद रखिए, ठीक है। सैलाना ये रतलाम में है। गंगाऊ पन्ना छतरपुर में है। राला मंडल इंदौर में है। वीरांगना दुर्गावती दमोह जिले में है, ठीक। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग तो देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ये राजस्थान सीमा से मुरैना मऊ ग्वालियर शिवपुरी गुना ब्यौरा करनवास सारंगपुर देवास इंदौर ठीगरी सेंठवा महाराष्ट्र सीमा तक जाता है। कितना है इसकी किलोमीटर? 712 किलोमीटर। NH 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7। उत्तर प्रदेश सीमा से मऊगंज मंगावाना रीवा मुरवारा जबलपुर लखनादौन सिवनी गोपालगंज खवासा महाराष्ट्र सीमा तक है। इसकी लंबाई कितनी है? 504 किलोमीटर। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, जबलपुर साहेपुर देवरी बरेली अब्दुल्लागंज भोपाल नरसिंहपुर नरसिंहगढ़ ब्यौरा राजगढ़ खिलचीपुर राजस्थान सीमा तक है। 490 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12A, उत्तर प्रदेश सीमा से पृथ्वीपुर टीकमगढ़ साहेगढ़ हीरापुर दमोह तेंदुखेड़ा जबलपुर मंडला गरही छत्तीसगढ़ सीमा तक 482 किलोमीटर है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25, शिवपुरी करेरा उत्तर प्रदेश तक है 82 किलोमीटर। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26, ये उत्तर प्रदेश से बरौदिया सागर देवरी नरसिंहपुर लखनादौन तक है 268 किलोमीटर। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 से सागर जयरूप खेड़ा खुरई को जोड़ते हुए बीना में समाप्त होता है, 75 किलोमीटर है इसकी लंबाई। फिर है 27, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27, उत्तर प्रदेश सीमा से सोहेगी मंगावन तक जाता है 50 किलोमीटर है। 59 गुजरात सीमा से झाबुआ धार इंदौर तक है 139 किलोमीटर है। 59A इंदौर कन्नौड खाटेगांव हरदा सोडलपुर बैतूल है 264 किलोमीटर। 69 अब्दुल्लागंज होशंगाबाद इटारसी साहेपुर बैतूल पंधुरना चिचौली महाराष्ट्र सीमा तक है 295 किलोमीटर है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75, ग्वालियर दतिया उत्तर प्रदेश सीमा अलीपुर छतरपुर पन्ना रीवा सिद्धि बरबगाना उत्तर प्रदेश सीमा तक है 600 किलोमीटर। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76, राजस्थान सीमा से कोटा शिवपुरी तक 60 किलोमीटर, सबसे छोटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 सबसे लंबा है और सबसे छोटा से राष्ट्रीय राजमार्ग है संख्या 76, राजस्थान सीमा से कोटा शिवपुरी तक मात्र 60 किलोमीटर। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78, कटनी उमरिया शहडोल अनूपपुर टीक छत्तीसगढ़ सीमा तक 178 किलोमीटर है, ठीक। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यह 79, राजस्थान सीमा से नीमच मंदसौर रतलाम घाट बेलाड इंदौर तक 280 किलोमीटर। फिर 86, उत्तर प्रदेश सीमा से छतरपुर हीरापुर बांदा सागर राहतगढ़ विदिशा रायसेन भोपाल सीहोर आस्था देवास तक 494 किलोमीटर। 86A राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86A, राहतगढ़ से प्रारंभ होकर बेगमगंज गैरतगंज को जोड़ते हुए रायसेन तक 131 किलोमीटर। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52, उत्तर प्रदेश सीमा से भिंड मगवा महगावन ग्वालियर तक 96 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1964 में हुई, कहाँ अवस्थित है? जबलपुर में। एक कृषि महाविद्यालय इंदौर में भी है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में बना, ग्वालियर में है। RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर में है। कृषि महाविद्यालय एक रीवा में भी है, भगवंत राव मंडलोई
कृषि महाविद्यालय ये खंडवा में, KNK उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में, एक कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा विदिशा में है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बारे में। तो बात करते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, 2008 में बना। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ये भोपाल में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय 1997 में बना, भोपाल में है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 1995 में बना, कटनी में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, 2011 में बना था। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ये सांची में है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये छतरपुर में है। महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय 2008 में है, ग्वालियर में। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय 2007 में, अमरकंटक अनूपपुर में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय 1990 में बना, भोपाल में है। माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ये रीवा में है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ये इंदौर में है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये ग्वालियर में है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में। ठीक, अब बात कर लेते हैं चिकित्सा संस्थानों के बारे में। गजया राजा चिकित्सा महाविद्यालय ये ग्वालियर में। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में। ठीक है, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, याद रखिए, और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ये भोपाल में। ठीक है, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में है। कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल इंदौर में है। महाराजा महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर ये ग्वालियर में है। हितकारिणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर में है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर ये बुरहानपुर में है। ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल में है। मानसरोवर डेंटल कॉलेज ये भोपाल में है। ठीक, याद रखिए, आगे बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के सृजन पीठ। ठीक है, आदि शंकराचार्य पीठ ये ओकारेश्वर में है। परशुराम पीठ ये जानापाव इंदौर में है। महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में प्रस्तावित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में सागर में है। बाल साहित्य सृजन पीठ भी भोपाल में है। प्रेमचंद सृजन पीठ ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। निराला सृजन पीठ ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। तो याद रखिए, आदि शंकराचार्य कहाँ हैं, ओंकारेश्वर। परशुराम ये जानापाव इंदौर में। महादेवी वर्मा हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में प्रस्तावित है। मुक्ति बोध सृजन पीठ ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। बाल साहित्य सृजन पीठ भोपाल में है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। गुजरी महल ये ग्वालियर में है। राजा रोहित महल ने बनवाया था, गुजरी महल ग्वालियर में है। बादल महल रायसेन ग्वालियर में है। दाई का महल मांडू में है। गुजरी महल कहाँ है, ग्वालियर। बादल महल रायसेन ग्वालियर दो जगह है। दाई का महल मांडू धार में। मदन महल जबलपुर में। रानी रूपमती महल मांडू धार में। असरफी महल मांडू धार में।
खरबूजा महल धार में, नौखंडा महल चंदेरी अशोकनगर में, अटेर का किला भिंड में। ठीक है, फिर है गोहद का किला, ये भिंड में है। राजा रोहित महल ये रायसेन में है। राजा अमल महल अजयगढ़ पन्ना में, इत्तदार महल रायसेन में, जयविलास महल ग्वालियर, बघेलन महल मंडला, जहांगीर महल ओरछा, मोती महल ग्वालियर, सतखंडा महल दतिया, रानी महल मंडला, जहाज महल मांडू, हिडोला महल मांडू। ठीक है, ये प्रमुख महल हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक गायन एवं लोक नृत्य। माचा मालवा से संबंधित है। ठीक है, राई स्वाइन बुंदेलखंड, माचा मालवा राई स्वाइन ये है बुंदेलखंड। गढ़गौर निवाड़, कर्मानित पूर्वी मध्य प्रदेश बैगा जनजाति में, डोलामाव की कथा मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, आला लोक गायन बुंदेलखंड। काठी निवाड़ में, हरदौल की मनोती बुंदेलखंड, नौटंकी बुंदेलखंड, बधाई व सेरा नृत्य बुंदेलखंड, चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति में, भगोरिया नृत्य भील जनजाति में, मटका नृत्य मालवा जनजाति में। ठीक, गौंचो नृत्य गौंड जनजाति में, लहंगी नृत्य कंजर एवं तथा बंजारों में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में। प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, याद रखिए 1985 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, याद रखिए भोपाल में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई। बिरला म्यूजियम 1971 में इसकी स्थापना हुई, ये भी भोपाल में है। राज्य संग्रहालय 2005 में स्थापना हुई, ये भी भोपाल में है। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय 1997 में बना, भोपाल में इसकी है। ये गुजरी महल संग्रहालय 1912 में ग्वालियर में है। ये जहांगीर महल संग्रहालय 1990 में बना, ओरछा में है। अब याद रखिए निवाड़ी जिले में आने लगा ओरछा, पहले टीकमगढ़ में आता था। ठीक है, जहांगीर हो गया। फिर जहांगीर के बाद रामायण कला संग्रहालय 2005 में बना, ओरछा में है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय 1955 में घबेरा छतरपुर में, पुरातत्व संग्रहालय 1988 में ये भी छतरपुर में, रानी दुर्गावती संग्रहालय 1976 में बना जबलपुर में, देवी अहिल्याबाई संग्रहालय 1974 में खरगोन में है, यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय ये भी 1982-83 में बना मंदसौर में, स्थानीय संग्रहालय चंदेरी 1991 में बना अशोकनगर में है, शासकीय जिला पुरातत्व ये 1940 में बना विदिशा में है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय 1929 में बना इंदौर में है। ठीक है, तुलसी संग्रहालय 1978 में बना सतना में है, सिंधिया संग्रहालय ये ग्वालियर में है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों से जुड़े जिले देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से 14 हैं, भिंड टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सतना रीवा सीधी दतिया शिवपुरी सागर सिंगरौली अशोकनगर मुरैना निवाड़ी। ठीक है, ये टीकमगढ़ से लग उत्तर प्रदेश से लगते हैं मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ से 6 हैं, सीधी शहडोल डिंडोरी बालाघाट सिंगरौली अनूपपुर। राजस्थान 10 हैं, मुरैना शिवपुरी गुना राजगढ़ नीमच मंदसौर रतलाम झाबुआ शिवपुर आगर मालवा। गुजरात से 2 हैं, झाबुआ अलीराजपुर। महाराष्ट्र से 9 हैं, अलीराजपुर बड़वानी खरगोन बुरहानपुर खंडवा बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट। याद रखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं लगता है डाउट है तो एक बार आप अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है, इसमें भी मिसप्रिंट हो गया हो तो देख लेना अपने सबसे, कहीं लगता है आपको कि गलती है तो वहाँ सुधार सकते हैं और कमेंट में लिख दीजिए, जिससे दूसरे को भी मदद मिल जाए। ठीक है, दूसरा भी सही आंसर पता चल जाए। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले, सीमावर्ती राज्यों की बता दें, उत्तर प्रदेश के 11 लगे, आगर इटावा जालौन झांसी ललितपुर बांदा मिर्जापुर इलाहाबाद महोबा सोनभद्र चित्रकूट। राजस्थान के 10 लगे, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वारान झालावाड़ सवाई माधो
नागपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली। महाराष्ट्र के 8 जिले हैं, धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, गोंदिया, नंदुरबार, जलगांव। फिर छत्तीसगढ़ 7, राजनंदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर। गुजरात के 2 हैं, दाहोद और बड़ोदरा। करक रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ठीक, ये जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, पहले शाजापुर था। ठीक, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, राज्य की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये लेक्चर हो गया हमारा 1। अब अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे मध्य प्रदेश की गणना, जनगणना। ठीक, इसे हम 3-4 सोच इतना ही है, 3-4 जितना भी लेक्चर हो जाए इतने में ख़त्म हो जाएगा अपना। ठीक है, पूरी बुक।